हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 44 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी जीएस के चारों पेपर के मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस सेशन में हम तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें से दो क्वेश्चन रहेंगे जीएस पेपर वन के और एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे जीएस पेपर टू का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 171 है। प्रीवियस 170 क्वेश्चन हम प्रीवियस सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है जीएस पेपर वन के ज्योग्राफी सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जैसे जैसे समुद्र गहरा और चौड़ा होता जाता है, लवणता कैसे बदलती जाती है। उन कारकों पर चर्चा करें जो समुद्र के पानी में लवण की सांद्रता को निर्धारित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको लवणता के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण के बारे में चर्चा करनी है। साथ ही साथ उन कारकों के बारे में बताना है जो कि लवण की सांद्रता को निर्धारित करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ उस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो लवणता का तात्पर्य होता है कि समुद्री जल में घुले हुए लवण की कुल मात्रा से होता है। इसकी गणना पर 1000 ग्राम में नमक की मात्रा के रूप में की जाती है। इसके साथ ही समुद्र के पानी की जो लवणता होती है आमतौर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर औसतन प्रति 1035 भाग के आसपास होती है। यानी इसका मतलब ये होता है कि समुद्र के पानी में घुले हुए लवण की जो मात्रा है वह है 3.5%। साथ ही इसमें जो घुले हुए जो सभी लवण होते हैं उसमें NaCl या जो सामान्य नमक होता है वह इसके अंतर्गत आम होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद इसमें हम बात कर लेते हैं लवणता में भिन्नता की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्षैतिज वितरण के अनुसार लवणता कैसे अलग अलग होती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तब लवणता कम होती जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इक्वेटर पर हमें मैक्सिमम सैलिनिटी देखने को मिले। हालांकि इस क्षेत्र में जो टेम्परेचर है वह उच्च होता है, साथ ही साथ बाष्पीकरण भी उच्च होता है, जो कि मैक्सिमम सैलिनिटी की कंडीशंस बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा उच्च होती है, जिसके कारण से यहाँ पर फ्रेश वाटर आकर मिल जाता है, जो कि नमक के अनुपात को कम कर देता है। और इसी कारण से यहाँ पर जो सैलिनिटी देखने को मिलती है वह 35 पार्ट्स पर मिलियन के आसपास देखने को मिलती है। इसके साथ ही जो उच्चतम लवणता की स्थिति है वह हमें 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में देखने को मिलती है, जो कि 36 पार्ट्स पर मिलियन के आसपास होती है। क्योंकि यहाँ पर जो हमें टेम्परेचर की स्थिति उच्च देखने को मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पर बाष्पीकरण भी उच्च होता है, लेकिन यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है वह यहाँ पर कम होती है, जिसके कारण से यहाँ पर हाई सैलिनिटी की कंडीशन पैदा होती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में, तो यहाँ पर लवणता कम होती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेसिफिकली तो उत्तरी अक्षांश में यहाँ पर 31 पार्ट्स पर मिलियन और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर 33 पार्ट्स पर मिलियन यहाँ पर सैलिनिटी होती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें ध्रुवीय क्षेत्रों की, तो यहाँ पर हिमानी पिघलने के कारण फ्रेश वाटर इसमें आकर मिल जाता है, जिसके कारण से यहाँ सैलिनिटी है वह यहाँ पर कम हो जाती है। और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में हमें 35 पार्ट्स पर मिलियन और दक्षिणी गोलार्ध में हमें 34 पार्ट्स पर मिलियन यहाँ पर सैलिनिटी देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में, तो लवणता गहराई के साथ बदलती है, लेकिन इसके बदलने का जो तरीका होता है वह समुद्र के अक्षांश पर निर्भर करता है। साथ ही जो सतह पर लवणता होती है वह बाष्पीकरण के फलस्वरूप भर जाती है, और जब उसमें कोई फ्रेश वाटर आकर मिलता है तो उसके दौरान लवणता कम हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत जो गहराई पर लवणता होती है बहुत अधिक निश्चित होती है, क्योंकि वहां पर कोई रास्ता नहीं होता पानी के खत्म होने का या उसमें कुछ नमक मिल जाने का। और यही कारण है कि महासागर के जो सतह क्षेत्र एवं गहरे क्षेत्र में लवणता के बीच में उल्लेखनीय अंतर हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो कम लवणता वाला जो पानी होता है वह उच्च लवणता वाले घने पानी के ऊपर स्थिरीकृत होता है। इसके साथ ही जो लवणता होती है आमतौर पर गहराई के साथ बढ़ती है, लेकिन एक अलग क्षेत्र ऐसा होता है हेलोक्लाइन, जिसमें लवणता नीचे जाने पर तेजी से घटती है। साथ ही साथ जैसा कि हमने अभी बात की कि जो उच्च लवणता वाला जल होता है आमतौर पर कम लवणता वाले पानी से नीचे होता है, इससे जो लवणता का स्थिरीकरण इस चीज को कहा जाता है। साथ ही यदि हम लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण को डायग्राम से समझने की कोशिश करें, तो इसमें लो लैटिट्यूड पर जब हम गहराई में जाते हैं तब लवणता धीरे धीरे कम होती जाती है, और 1000 मीटर की गहराई के बाद लवणता जो है इसके अंतर्गत स्टैटिक हो जाती है। साथ ही अगर हम बात करें हाई लैटिट्यूड्स की, तो इसमें लवणता गहराई के साथ बढ़ती है, फिर 1000 मीटर की गहराई के बाद यहाँ पर भी सैलिनिटी स्टैटिक हो जाती है।
तो ये हमने बात की लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। इसमें सबसे पहला कारक है बाष्पीकरण। जो लवणता होती है मुख्यतः बाष्पीकरण पर निर्भर करती है। जहां पर बाष्पीकरण ज्यादा होता है वहां पर लवणता अधिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पानी के बाष्पीकरण के कारण पर 1000 ग्राम के अंतर्गत नमक की मात्रा का अनुपात इसके अंतर्गत घट जाता है। इसके अगर हम क्लासिक एग्जाम्पल की बात करें तो वह है मेडिटेरियन सी। इसके साथ ही दूसरा कारक है मीठे पानी का प्रवाह होना। जो सतह की लवणता है वह तटीय क्षेत्रों में जब नदियों से मीठे पानी का जो प्रवाह होता है, साथ ही साथ ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने के कारण जो फ्रेश वाटर इसमें आकर मिलता है, तो उसके कारण से यहाँ पर लवणता कम हो जाती है। यानी कि जहां पर मीठे पानी का प्रवाह ज्यादा होगा वहां पर लवणता यहाँ पर कम होगी। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अमेजन, कोंगो और जो गंगा नदी के जो मुहाने हैं वहां पर हमें लवणता कम देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें अन्य कारकों की तो उसमें तापमान और घनत्व है, क्योंकि जहां पर तापमान अधिक होता है वहां बाष्पीकरण अधिक होता है। ऐसे में वे क्षेत्र उच्च लवणता वाला क्षेत्र बन जाता है। इसके साथ ही अगर हम अन्य कारक की बात करें तो वह है महासागरीय धाराएं, और ये लवणों के स्थानिक वितरण में भूमिका निभाती है, क्योंकि जो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां पर जो गर्म धाराएं होती है वे महासागरों के पूर्वी किनारे से जल को लेकर पश्चिमी किनारों पर जमा कर देती है, जिसके फलस्वरूप पश्चिमी किनारों की जो सैलिनिटी होती है वह अधिक होती है। और इसी प्रकार से जो समशीतोष्ण क्षेत्र होता है वहां पर पूर्वी किनारों पर लवणता अधिक होती है। अगर हम बात करें इसकी क्लासिक एग्जाम्पल की तो उसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो गल्फ स्ट्रीम है वे पश्चिमी किनारे में लवणता को बढ़ा देती है। इसके अलावा अन्य कारक है वर्षा। वर्षा और लवणता के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। जब वर्षा अधिक होती है तो उस दौरान लवणता कम हो जाती है, क्योंकि वर्षा के दौरान फ्रेश वाटर आता है, जिसके फलस्वरूप जो पर 1000 ग्राम वाटर के अंतर्गत जो नमक की मात्रा है वह उसके अंतर्गत कम हो जाती है। इसमें अगर हम बात करें भूमध्य रेखीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की तो वे समान रूप से गर्म होते हैं, लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की लवणता अधिक होती है, क्योंकि वहां भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में कम वर्षा होती है। इसके साथ ही अन्य कारक है वायुमंडलीय दबाव और हवा की दिशा। जो स्थिर हवा और उच्च तापमान की जो स्थिति बनती है जिसे एंटी साइक्लोनिक स्थिति कहा जाता है, तो उसके दौरान भी बारिश नहीं होती, यानी कि उसमें फ्रेश वाटर नहीं आता, जिसके कारण से महासागर की लवणता बढ़ जाती है। तो ये हमने बात की लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। इसके बाद अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो हालांकि अगर खारा पानी ठंडा हो जाए तो प्रभाव उसका अधिक हो जाता है, क्योंकि तापमान का घनत्व पर लवणता की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें उच्च लवणता एवं कम तापमान के संयोजन की तो समुद्री जल को इतना घना बना देती है कि ये समुद्र के तल में डूब जाता है और गहरी धीमी धारा के रूप में घाटियों में बहता रहता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 1 के सोसाइटी खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की उच्च दर के कारणों की जांच करें, साथ ही साथ महिलाओं के लिए सुरक्षित, लचीला और समावेशी स्थान बनाने के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण अपनाने के तरीके सुझाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की उच्च दर के कारणों के बारे में चर्चा करनी है, साथ ही साथ उनके खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसके प्रति शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण अपनाने के तरीके भी आपको इसके अंतर्गत बताने हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि एनसीआरबी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उन्होंने बलात्कार के मामलों में लगातार वृद्धि की भयावह तस्वीर हमारे सामने पेश की है। इसके अलावा एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में लगभग 4 लाख महिलाओं के प्रति अपराध हुए। ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारत महिलाओं के लिए असुरक्षित है। इसके साथ ही 2012 के दिल्ली के सामूहिक बलात्कार के बाद बनाए गए सख्त कानून अब दूर की याद बनकर रह गए हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कारणों के बारे में। इसमें पहला कारण है यहाँ पर स्थापित पितृसत्ता का होना। भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है और यहाँ की लोकप्रिय संस्कृति यह है कि ये पुरुषत्व को यौन आक्रामकता से जोड़ता है। पुरुष एवं लड़कों को महिलाओं को धमकाने, बस में करने और सबक सिखाने को ये प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा दूसरा कारण है लिंग एवं जातिगत हिंसा का होना। एक दलित महिला के साथ बलात्कार न केवल उस महिला को दंडित या अपमानित करने के लिए किया जाता है, बल्कि उसके परिवार को अपमानित करने के लिए भी ये कृत्य किया जाता है। इसके साथ ही अन्य कारण है भारत में न्याय प्रणाली का होना।
एक सामाजिक तथ्य यह है कि जो आपराधिक कानून प्रणाली है अक्सर केवल अवैधताओं की प्रणाली फिर से व्यवस्थित करती है। इसके अंतर्गत समाज के द्वारा ऐसा दबाव बनाया जाता है कि बलात्कार पीड़िताओं को अवैध रूप से समझौता करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। साथ ही इसमें जो पीड़िता है उसका केस के दौरान कई बार उससे अपमानजनक सवाल पूछे जाते हैं, जिससे पीड़िता का बार बार अपमान इसके अंतर्गत किया जाता है। साथ ही साथ अन्य कारण है घर में अपराध का होना। अधिकांश जो अपराध हैं घरों की सीमा के भीतर ही किए जाते हैं, जिससे उनकी रिपोर्टिंग भी इसके अंतर्गत नहीं हो पाती। साथ ही कोई निवारक उपाय नहीं होना। चर्चा हमेशा अपराध की सजा के लिए की जाती है, अपराध की रोकथाम पर इसमें ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये हमने बात की महिलाओं के प्रति अपराध के कारणों के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान बनाने हेतु नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें कानून प्रवर्तन को तेजी से अपराधियों को सजा और राज्य सरकारों को उन क्षेत्रों में उच्च अपराध दर और दोहरे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पता लगाना चाहिए। इसके अलावा पितृसत्ता एवं सत्ता संरचना को खत्म करने के लिए युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। जो न्याय वितरण है उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने की आवश्यकता है। इसमें जो आपराधिक न्याय प्रणाली पर ध्यान देकर सजा एवं दंड से हटकर उसकी रिपोर्टिंग, जांच और पीड़ित सहायता तंत्र के चरणों पर हमें केंद्रित करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो हमारी न्याय प्रणाली है उसमें निम्न उपाय भी किए जा सकते हैं कि जो पीड़िता है बिना किसी डर के रिपोर्टिंग करा सके। साथ ही साथ पुलिस ठोस जांच उसके अंतर्गत करे, मुकदमे के दौरान पीड़ित की सुरक्षा उनको मिले। साथ ही साथ गवाही को आसान एवं त्वरित बनाया जाए, संसाधन का आवंटन एवं कानून का क्रियान्वयन उसके अंतर्गत सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही इसमें जो व्यापक स्तर पर संवेदनशीलता को शामिल किया जाना चाहिए। मौत की सजा के लगातार बढ़ते दायरे के बावजूद समाज में जो पूर्वाग्रह जो बने हुए हैं उसको दूर करने की बहुत कम प्रयास अभी तक किए गए हैं। इसके लिए जरूरी है कि समाज को इन विषयों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। तो ये हमने बात की नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता के बारे में। इसके बाद हम इस क्वेश्चन के अगर निष्कर्ष की बात करें तो हाल के दिनों में महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है। समाज की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं की सुरक्षा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। समाज में महिलाओं के प्रति जो हिंसा को अपराध घोषित करने के लिए कानून पारित करना संभव है, लेकिन अकेला कानून पुरुषों की विपरीत लिंग के जो सम्मान है वह नहीं सिखाएगा। उसके लिए जरूरत है कि समाज में इस बात को शामिल करना कि मजबूत लोग दूसरों को नीचा नहीं दिखाते बल्कि उनका सम्मान करते हैं। और जरूरत है कि जो आज की हमारी नव युवा पीढ़ी है उसको महिलाओं के अपराध के प्रति संवेदनशील किया जाए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के सोसाइटी खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में जेल सुधार एक बहुचर्चित विषय है और ये भारत सरकार द्वारा नियुक्त कई समितियों के लिए चर्चा का विषय रहा है। हालांकि कई अवसरों पर दिए गए कई सुझावों के बावजूद जेल सुधारों के संबंध में जमीनी स्तर की स्थिति निराशाजनक और स्थिर बनी हुई है। भारत में जेल संस्थानों में विभिन्न चुनौतियों की जांच करें और उसमें सुधारों के सुझाव दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको भारत में जेल सुधार के बारे में चर्चा करनी है, साथ ही साथ उससे संबंधित चुनौतियों और उससे संबंधित सुधारों के बारे में भी इसमें आपको डिस्कस करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे। भारत में जो जेलों की व्यवस्था है वह 1 शताब्दी से भी ज्यादा पुरानी है, जिसमें सुधार की सख्त जरूरत है। भारत में जेलें एवं उनका जो प्रशासन है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची के तहत आइटम नंबर 4 के अंतर्गत वह आता है। नवंबर 2022 के अंतर्गत राष्ट्रपति मुर्मू ने जेलों में अपने दौरों एवं बंदियों की परिस्थिति पर विचार किया और उन्होंने उस पर प्रकाश डाला कि ये व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रति अनभिज्ञ है एवं छोटे मोटे अपराधों के लिए लंबे समय तक जेल में है और जो कि अपनी गरीबी के कारण जमानत लेने में भी असमर्थ है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि 2020 के जेल आंकड़ों के निष्कर्ष के बारे में। इसमें जो जेलों में 70% से जो अधिक विचाराधीन जो कैदी है वे हाशिए पर मौजूद धर्मों, वर्गों, जातियों एवं लिंगों से भी आते हैं। इसके अलावा 2019 से 20 में जो विचाराधीन कैदियों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखी गई 11.7% की। इसके अलावा जैसे ही जेलों ने सार्वजनिक जवाबदेही पर अपनी तालाबंदी शुरू की है उससे 2020 में हिरासत में होने वाली मौतों की दर में 7% वृद्धि देखी गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें जेल सुधार की आवश्यकता क्यों है।
इसमें कैदियों के जो मानवाधिकारों की रक्षा एवं उनके सामाजिक पुनर्मिलन की संभावना इसके अंतर्गत बढ़ जाती है। इसी कारण से हमें जेल सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा जेल समाज से अलग थलग नहीं है, जेल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसकी उपलब्धता जरूरी है। साथ ही साथ इसमें जो अत्यधिक भीड़ भाड़ है जेलों के अंतर्गत, तो उसमें महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर जेलों में मानवीय संकट बढ़ गया था। साथ ही साथ विशेषज्ञों के अनुसार ये माना जाता है कि हमारी जेलों में जो भीड़ भाड़ है उसका मुख्य कारण है कि प्री ट्रायल जो कैदी है उनका बड़े पैमाने पर कैद करके रखा गया है। साथ ही अगर हम बात करें भीड़ भाड़ वाली जेलों में कैदियों के स्वास्थ्य की स्थिति खराब होती है, वहां पर पोषण खराब होता है, स्वच्छता अपर्याप्त होती है, साथ ही साथ उन्हें ताजी हवा और व्यायाम तक उनकी जो पहुंच है वह अनुपलब्ध उनके लिए होती है। साथ ही साथ यहां पर जो जेल कर्मचारी हैं वह भी अधिकांश बीमारियों की चपेट में है, जिससे कैदियों को भी उसका खतरा बना रहता है। इसमें एनसीआरबी के अनुसार जो 1.2% जो कैदी हैं वे मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और उनके साथ भेदभाव इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यूएन के बैंकॉक नियम की, तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि पूर्व परीक्षण चरण में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको गैर अभिरक्षा तरीकों का उनके लिए प्रयोग किया जाएगा, यानी कि उनके लिए नॉन कस्टोडियल तरीके अपनाए जाएंगे जिसका भारत की जेलों में उल्लंघन होता है। इसके अलावा सुधार की इसलिए जरूरत है क्योंकि कई इसमें जो कैदी हैं वे गरीबी से पीड़ित हैं और कई कैदी जमानत बॉन्ड निष्पादित करने या जमानत देने में असमर्थ रहते हैं। साथ ही जेलों में कम सार्वजनिक जांच से बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन की भी संभावना होती है और जो अधिकांश सीसीटीवी जो कैमरे हैं जेल में वे काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से उनके अधिकारों के उल्लंघन की संभावना उसके अंतर्गत बनी रहती है। तो ये हमने बात की कि जेल सुधारों में सुधार की क्यों आवश्यकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके वे फॉरवर्ड की, यानी कि आगे की राह की। इसमें सरकार एवं अदालतें विचाराधीन कैदियों को बड़े पैमाने पर कैद में रखने के सवाल पर सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं लिंग संवेदनशील दृष्टिकोण उनको अपनाना चाहिए। साथ ही साथ इन अंधेरे हिरासत स्थानों में जवाबदेही लाने में जेल प्रहरी की भागीदारी इसके अंतर्गत बहाल की जानी चाहिए। इसके अलावा जेल से जो विचाराधीन कैदी हैं उनकी रिहाई की दर में गिरावट और हिरासत में मौतों में जो वृद्धि को मानवीय संकट का इसके अंतर्गत नाम दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही इसमें योग्य स्वास्थ्य पेशेवर की नियुक्ति की जानी चाहिए जो कि जेल प्रशासन से स्वतंत्र हो और ये कैदियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ जेल में भीड़ भाड़ आयोग नियमित रूप से बैठक ले और जेल से संबंधित किसी भी मुद्दे का निपटारा वे कर सके। साथ ही साथ पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करना, हिरासत में किसी भी तरीके की हिंसा जैसे किसी भी अपराध को स्वतंत्र जांच एजेंसी से निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर तेजी से ट्रैक करके जिम्मेवार पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये हमने बात की वे फॉरवर्ड यानी कि आगे की राह की। इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें, तो अब समय आ गया है कि सुनवाई से पहले कैदियों को क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक सजा देने वाले कानूनों को समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो प्री ट्रायल कैदी हैं उनको सामूहिक कैद उनकी समाप्त की जानी चाहिए। निश्चित रूप से हिरासत की जो क्रूर और अमानवीय स्थितियों के प्रति संस्थागत उदासीनता किसी भी समाज के लिए ये घृणित होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन से। इसी तरीके के क्वेश्चन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। इसकी जो हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।